हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा। तो ये देखो, मैंने गाजर को अच्छे से बारीक छोट लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ इसको पकने के लिए। तो प्रेशर कुकर में डाल के इसको थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा सा गैस पे पका लेंगे। तो मतलब थोड़ा एक सीटी लगा देती हूँ मैं। ये मैं इसको पका लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। एक सीटी लगा के इसको मैं भी बंद कर लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे। मैंने अभी इसको डाल दिया है गैस पे, इसकी एक सीटी आ जाएगी तो फिर मैं इसको उतार देती हूँ और फिर मैं इसको आगे बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक सीटी आ गई है, तो अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मतलब गाजर जो है वो पक गए हैं। थोड़ा थोड़ा दूध है अभी, बल्कि गाजर का भी पानी निकला होगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम पका लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है, रिफाइंड ऑयल है ये। अगर आपके पास घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब ये तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ये डाल देते हैं, गाजर जो हमने पका के रखी है। बिल्कुल ध्यान से डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर को कढ़ाई में डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। इसमें हम दूध भी ऐड कर लेंगे, इसमें दूध में मलाई भी है। ये दूध है, जब तक ना पूरा सूख जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट है, और इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप स्वाद अनुसार डालें, जितना आप खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीडियम कम। तो मैंने ये आधी कटोरी चीनी डाली है, और अब मैं अच्छे से पका लूँगी इसको। जब तक ना पूरा दूध सूख जाएगा तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। पूरा दूध सूख जाता है, फिर मैं मिलती हूँ आपके आपसे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि जितना मैंने दूध डाला था वो सारा अभी सूख गया है, और अभी मैं इसको और थोड़ा सा पकाऊंगी। ये तो एकदम रेडी हो गया है, बट मैं इसको अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। मैंने जो इलायची डाली थी इसमें उसकी खुशबू भी आ रही है, और जो गाजर है ये जब पक गई है तो अब इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देख सकते हैं।
फ्रेंड्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।